एक साथ परिवार के 6 लोगों की सजी अर्थी माँ पिता भाई और 3 बहनों को अमित ने दी मुखाग्नि। नवादा से संजय वर्मा की रिपोर्ट। नवादा में जहर खाकर जान गंवाने वाले केदारलाल गुप्ता समेत परिवार के कुल 6 सदस्यों का शुक्रवार को किया गया। नवादा नगर के बिहारी घाट पर खुरी नदी के तट पर सभी का अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर परिवार के सदस्यगण और नाते रिश्तेदार मौजूद थे। स्कूल के एक बच्चे चिराग अमित गुप्ता ने माँ पिता भाई और 3 बहनों को एक साथ मुखाग्नि दी। इसके पूर्व सभी की एक साथ शव यात्रा निकली तो जानने और देखने वालों की आंखें नम हो गई। परिवार के लोगों की मौत की सूचना के बाद पुत्र अमित नवादा पहुंचा था। बता दें कि सुदखोरों से तंग आकर केदारलाल गुप्ता ने अपनी पत्नी अनीता देवी, पुत्र ध्रुव गुप्ता और प्रिंस, बेटियों साक्षी गुड़िया और शबनम के साथ बुधवार की रात घर से बाहर शोभ कृषि फार्म इलाके में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। शेष 4 की मौत इलाज के दौरान हुई थी। कर्ज के बोझ तले दबा था परिवार। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि मृतक केदारलाल कई लोगों से सूद ब्याज पर काफ़ी पैसा ले रखे थे। 10-12 लाख रुपये कर्ज था। रोज तकादा और झंझट से मुक्ति पाने के लिए ऐसा कदम उठाया। मिला सुसाइड नोट। मृतक केदारलाल का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन लोगों के नाम का जिक्र है जिसके तकादा से वे परेशान थे। उन नामों में से एरिया के मनीष सिंह, विकास सिंह, विजय सिंह, डॉक्टर पंकज सिन्हा, टुनटुन सिंह खटाल संचालक तथा गढ़पर के रंजीत सिंह का नाम है। पुलिस इन सभी को थाने बुलाकर जांच पड़ताल कर रही है। एक व्यक्ति टुनटुन सिंह को हिरासत में लिया गया है। 2 को पूछताछ के बाद मुक्त कर दिया गया है। क्या अब तो क्या जानकारी मिली तुमको? मुझे कॉल है, मैं कॉल किया था अपने भाई को, तो वो बोला था कि भैया ऐसा कोई बात नहीं पापा, लेकिन हमेशा बोलते रहते थे कि इतना इतना कर्जा हो गया 10-12 लाख रुपए से ऊपर लगभग में, और सब लोग धमकी देता है। और जहाँ तक कि हमें भी पता चला है कि उल्टा सीधा बोल रहे थे कि भाई बहन को उठा के ले जाएंगे, धमकी देता था, गाली गलौज दुकान पे आके सामान उमान सब लेता था। कौन था वो लोग जो बोलता था उठा के भाई बहन को ले? उसमें से सिर्फ एक ही वो का जानते हैं जिसका नाम है मनीष सिंह, और उसको सब पुकारू करता है टाइगर के नाम से। कहाँ घर है उसका? न्यू एरिया पताल, सॉरी लगता है, हाँ न्यू एरिया में जो सिनेमा हॉल है ना उसके जस्ट पीछे ही घर है उसका। परिवार से बात हुई थी कुछ? मेरा से हमेशा बात होती थी, मैं पापा को ही बोलता था कि अब टॉर्चर कर रहा है तो अब मरने से कुछ तो होगा नहीं, आप लोग यहाँ आइए मिलकर करेंगे, लेकिन उनको यही अच्छा लगा। अंतिम बात कब हुई थी? अंतिम बात मेरे भाई से सिर्फ हुआ था, मैं सिर्फ इतना ही पूछा था सब ठीक है, तो बोला हाँ ठीक है। मरते मरते मेरी बहन भी एक बार बोली अमित भैया सब खत्म हो गया, सब लोग सुसाइड कर लिया, अब मजबूरी में कर लिया, ऐसा ऐसा काम ही किया सब लोग, आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या डिमांड? अब लोगों का नाम आ रहा है, डिमांड यही है कि जो भी है उसको पकड़िए, बस मेरा तो यही सजा होना चाहिए। जो अगर गलत है तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, जो गलत है सो गलत है। क्या नाम हुआ? अमित गुप्ता। हेलो।